दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए, तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है, वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं, आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स, सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पारुल सिंह है और इस साल इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज 2023 में मेरा चयन हुआ है। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप सबके साथ अपनी छोटी सी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और आज मुझे लग रहा है कि शायद मैंने जीवन में कुछ एक छोटा मुकाम हासिल किया है, क्योंकि मैं बचपन से ही दिल्ली नॉलेज ट्रैक पर काफी सारे टॉपर्स और सक्सेसफुल लोगों का वीडियोस देखती आ रही हूँ और आज क्योंकि मुझे खुद ये मौका मिला है तो आई फील रियली प्राउड। अब मैं आती हूँ अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड और मैं आपको धीरे धीरे अपनी पूरी स्टोरी के बारे में बताऊंगी। तो मैं दिल्ली से हूँ और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में ही की है। मेरी स्कूलिंग रही है राइन इंटरनेशनल स्कूल मयूर विहार से, जो कि दिल्ली में ही है। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेरी काफी रुचि थी, इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपना इकोनॉमिक्स में ही किया फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने सिविल सेवा और बाकी सरकारी एग्जाम्स, जिससे मुझे लगता था कि मैं अफसर बन सकती हूँ, उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मास्टर्स के एक साल बाद ही मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एज अ मैनेजर ज्वाइन किया, विच आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स विच हैव हैपेंड इन माय लाइफ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज वन ऑफ द वॉटरशेड इवेंट्स ऑफ माय लाइफ। मुझे अभी एक साल हो चुका है वहां पर काम करते हुए और अपनी जॉब के साथ साथ ही मैंने तैयारी की और एक साल के भीतर भीतर मेरा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में भी चयन हो गया है और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की जिसमें मेहनत लगी है और दुआएं लगी हैं। अब मैं आना चाहूंगी अपनी स्ट्रैटेजी पर। तो जैसा कि सब जानते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की परीक्षा यूपीएससी कराता है और ये एक बहुत ही स्पेशलिस्ट एग्जाम है जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स नॉलेज चेक की जाती है। तो इसके दो स्टेजेस होते हैं, पहला मेंस और सेकंड इंटरव्यू। तो मेंस में 6 पेपर होते हैं। पहले फर्स्ट 2 पेपर्स होते हैं, पहला पेपर होता है इंग्लिश का, सेकंड जीएस का, जो 100-100 नंबर के होते हैं, और आगे वाले 4 पेपर कोर इकोनॉमिक्स के होते हैं जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स की काफी डेप्थ में नॉलेज चेक की जाती है। मेरे सोर्सेज काफी स्टैंडर्ड रहे थे क्योंकि मैंने किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं की थी। मैंने इन जनरल इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट को पसंद किया और अपनी स्ट्रेटजी बस एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली इम्प्रोवाइज की। तो ये मैंने आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया। अब फॉर एस्पिरेंट्स हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, पेपर 1 और 2 होते हैं, पेपर 1 इंग्लिश का, पेपर 2 जीएस का। तो ये 100 मार्क्स ईच के होते हैं और बाकी जो 4 पेपर होते हैं वो 200 मार्क्स ईच के होते हैं। तो पेपर 1 एंड और पर सब्जेक्ट भी क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एग्जाम में एक मिनिमम लेवल ऑफ मार्क्स लाएं, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए आपका। उसके अलावा मुझे लगता है कि इंग्लिश और जीएस लोग थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हैं, और इंग्लिश तो मैनेजेबल है, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल चाहूंगी, पर अगर आपका इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग रही है तो आपका इंग्लिश मैनेजेबल हो जाता है, पर तब भी मैंने कुछ पेपर सॉल्व किए थे और मुझे लगता है हर किसी को करने चाहिए, जैसे एसेज और प्रेसी राइटिंग, मतलब जो बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इंग्लिश और जीएस के, अगर आप पिछले 2 या 3 साल के कर लेंगे देन यू विल बी सॉर्टेड और आपको बहुत ज्यादा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब मैं पेपर 1 पे बात आती हूँ, पेपर 1 पे आती हूँ। तो पेपर 1 में आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड सम बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आप
सिविल सर्विसेज का अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शन देखा हो तो इसके पेपर उससे काफी अलग होते हैं, स्पेशली इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप एक ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं तो आपको इन पेपर्स पर थोड़ा स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, पर वो मेरे लिए पर्सनली पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए थे और मुझे लगता है कि यूपीएससी के हर एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द बाइबल। आप हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, उसके आसपास उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपका काम बहुत बहुत आसान हो जाएगा, स्पेशली फॉर पेपर वन। जो जीई टू है वो काफी हमारा बेसिक इकोनॉमिक्स, नॉट बेसिक इकोनॉमिक्स बट जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, जिसमें जनरली इकोनॉमिक्स वाले बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये आता है जो टू अ गुड एक्सटेंट मैनेजेबल है। जैसे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में रहा है तो मैंने बेसिक बुक्स ही की थी। और अगर आप पेपर देखें तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें पिछले कम से कम 5 सालों के, कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और अपनी पढ़ाई उसी डायरेक्शन में करें, क्योंकि द सिलेबस इज एज वास्ट एज द ओशन बट यू कैन नॉट डू ऑल ऑफ इट। सो यू आपको बहुत ही सूझबूझ से अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके, स्पेशली अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो आपको तैयारी करनी है। जीई थ्री में एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, प्लानिंग, पब्लिक फाइनेंस ये आता है। तो इस क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा इसके लिए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बुक पढ़ना सफिशियंट नहीं रहेगा, इनफैक्ट नोट्स बनाना ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि सपोज स्टेट प्लानिंग में इम्पेरेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग, अब भले ही आपको इन योर माइंड आपको कॉन्सेप्ट पता है पर उसे पेपर में उतारने के लिए आपके पास एक रेडीमेड नोट्स होने चाहिए, तभी आप उस टाइम कंस्ट्रेंट में इस चीज को लिख पाएंगे। नहीं तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग इन पेपर में, जैसे इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स ही हो गया, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग सबको रहती है, पर अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा थोड़ा। जीई फोर इंडियन इकोनॉमी पे मैं आती हूँ, तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी और जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं वो रहते हैं। तो इसके लिए आप मेंस 365 और रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी क्रूशियल। और ये बात मैं सबको रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करें, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ते हैं या आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हमारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव डेवलप होता है टू डिफरेंट इश्यूज। एंड ऑल्सो स्पेशली मैं जैसे अगर हिंदू न्यूज़पेपर की बात करें तो जब वो अपने एडिटोरियल कंक्लूड ही करते हैं तो वो कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस लिखते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उनका जो कंक्लूजन होता है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो वेरी प्रैग्मेटिक। सो यू जस्ट नोटेड डाउन समवेयर, आप अपने आईपैड में लिख सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं, तो कैसे भी करके आप उन लाइंस को एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना आंसर एंड करें तो एक पॉजिटिव नोट पे एंड होना चाहिए। जब आप आंसर्स लिखें, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स जो काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो कोशिश करें उसे कंटेम्प्ररी चीजों से लिंक करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरनेशनल में कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कर रहे हैं और आप इंडिया के सरप्लस लेबर के कॉन्सेप्ट को उससे लिंक नहीं कर रहे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखेगी एग्जामिनर को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इकोनॉमिक थियोरी एंड इकोनॉमिक एक्चुअल जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स चल रहे हैं उन्हें कनेक्ट करें। इसके अलावा जब आप आंसर्स लिखें तो पॉइंट वाइज लिखें, ये ओवरऑल यूनिवर्सली, आई एम नॉट सेइंग कि ये यूनिवर्सल रूल है, पर फॉर द मेजॉरिटी ऑफ टॉपर्स दिस हैज बीन द केस कि आप पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करें तो एग्जामिनर को डायरेक्टली पता लगता है कि आप ये 5 पॉइंट कहना चाह रहे हैं, ये 10 पॉइंट कहना चाह रहे हैं। जब आप आंसर लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इकोनॉमिस्ट को कोट्स करें।
अगर आप इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप जब तक अशोक गुलाटी जी का नाम नहीं लिखेंगे तब तक वो आंसर, मुझे पर्सनली अपना खुद का आंसर इनकम्प्लीट लगता था। तो ये सब करें, अगर इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन है तो आप ऑक्सफर्ड की रिपोर्ट को कोट कीजिए। मतलब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करेंगी, क्योंकि बेसिक पढ़ाई तो सब करके जाते हैं पर दीज लिटल थिंग्स विल हेल्प यू गेट 2-3 मार्क्स मोर पर क्वेश्चन एंड ओवरऑल इन द एग्जाम। इसके अलावा पॉइंट वाइज लिखें, अंडरलाइन करें। आप डिफरेंट टाइप की, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो रहा है पर आई थिंक इससे फर्क पड़ता है। जैसे आप डिफरेंट लेवल्स की मार्किंग भी कर सकते हैं इन एग्जाम। जैसे जब मैं कुछ कॉन्सेप्ट का, सपोज इन इकोनॉमिक्स मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करती हूँ, अगर मैं गोल्डन रूल लेवल विच इज अ कॉन्सेप्चुअल थिंग, जब मैं ऐसा कुछ मेंशन करती थी तो मैं अंडरलाइन करती थी। जब मैं किसी इकोनॉमिस्ट का नाम मेंशन करती थी या कोई रिपोर्ट करती थी तो मैं उसे स्क्वायर बॉक्स में डालती थी जिससे एग्जामिनर को डायरेक्टली दिखे कि दिस इज द जेनरिक कंटेंट, ये स्पेसिफिक कंटेंट है, ये इकोनॉमिस्ट और सोर्स का नाम है। तो इससे एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा आपकी आंसर शीट का। ये हो गया आपका आंसर राइटिंग। इसके अलावा जब इंटरव्यू में आते हैं तो इंटरव्यू आपका होता है 200 मार्क्स का, और इंटरव्यू टू अ एक्सटेंट काफी इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड होता है कंपेयर टू सिविल सर्विसेज। मैंने दोनों के दिए हैं और मुझे नॉट मच, क्योंकि सेम ही पैनल होता है तो नॉट मच, बट यस टू अ डिग्री इट इज स्पेशलिस्ट इन नेचर। जैसे ज्यादा आपसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि सिविल सर्विसेज में आपसे थोड़े जर्नलिस्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब इकोनॉमिक्स के इंटरव्यू में आप जाएं तो मेक श्योर कि आप पिछले साल का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जो इकोनॉमिक हैपनिंग्स, और इकोनॉमिक्स हमेशा ही कुछ ना कुछ चल रहा होता है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं। मैंने इस बार क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट था तो मैंने ओनली IAS का इकोनॉमिक्स वीकली वीडियोस आती है विच वन ऑफ माई फ्रेंड यूज टू सेंड मी, तो मैंने वो देखी थी सारी एंड उसने मुझे काफी हेल्प किया। उससे आपका मतलब अगर आपको जैसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है डीपर स्टडी के लिए तो आप वो कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स भी इंटरव्यू में वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इंटरव्यू में मैंने रियलाइज किया कि आप कितना सच बोलते हैं, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सरकारी अफसर बनने जा रहे हैं और आपकी कैरेक्टर की जो इंटीग्रिटी है दैट इज ऑफ प्राइम वर्च्यू। चाहे आपको कितना भी आता हो, अगर आपके इंटरव्यू पैनल को आपके अंदर सच्चाई दिखनी चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो आप उन्हें बता दीजिए कि आपको उस विषय के बारे में नहीं आता। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे एक लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी होने वाली है। तो इंटरव्यू पैनल में भी ड्यूरिंग योर इंटरव्यू भी इंटरव्यू पैनल को आपके आंसर्स में वो सच्चाई दिखनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो आप उन्हें प्यार से बता सकते हैं। जो इंटरव्यू पैनल में लोग होते हैं वो बहुत ही कॉर्डियल होते हैं। किसी भी ये मूवीज या सीरीज से इन्फ्लुएंस ना हो, आई हैव गिवन UPSC इंटरव्यूज एंड दे आर वन ऑफ द नाइसेस्ट स्वीटेस्ट पीपल व्हेन इट कम्स टू इंटरैक्टिंग एंड इट इज लाइक अ नॉर्मल डिस्कशन। सो डू नॉट गेट इंटिमिडेटेड बाय एनी काइंड ऑफ हियरसे, दे आर वेरी नाइस पीपल। आप बस अपने आप बस उनके सामने सच बोलिए, डू नॉट, दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल। इतनी हमारी उम्र भी नहीं है जितने उनका करियर एक्सपीरियंस है। सो दैट इज द की टू इंटरव्यू, कि आप अपने बारे में, अपने डेफ के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाइए
और वहां पे जाकर जो आपकी ट्रू पर्सनालिटी है वही दिखाई। और एज अ स्टूडेंट एंड ऑल्सो एज अ एस्पिरेंट, जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम अपने सर्कमस्टेंसेस को, अपने प्रिपरेशन लेवल को हमेशा और उससे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मैं एज अ स्टूडेंट भी मैंने तैयारी की है और तब मुझे लगता था कि जॉब एज कि वर्किंग लोगों के लिए मे भी ज्यादा ईजी होता होगा क्योंकि उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, एक सेंस ऑफ कम्फर्ट रहता है, एंड विच इज ट्रू टू एक्सटेंट। बिकॉज नाउ जब मैंने फुल टाइम जॉब के साथ में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया एंड नाउ व्हेन आई वॉज नो लॉन्गर अ स्टूडेंट बट आई वॉज अ वर्किंग एस्पिरेंट, तो पर तब मेरे डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस थे। मतलब टाइम के लिए, एक एक मिनट के लिए यू हैव टू मेक अ रन, और तो आपके अलग चैलेंजेस होते हैं। तो अपनी जर्नी को किसी से भी कंपेयर ना करें, हर कोई अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है। और अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है तो भी आपके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, जैसे आपके दोस्त सब मजे कर रहे होते हैं। जब मेरी करंट जॉब में मेरा ट्रेनिंग टाइम चल रहा था, विच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम्स, मोस्ट ब्यूटिफुल पीरियड ऑफ योर जॉब, तब बाकी सब लोग घूम रहे थे पर आई यूज टू मेक श्योर कि मैं पढ़ाई करूं क्योंकि आई हैड डिफरेंट एस्पिरेशंस। सो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप किसी से भी, आइदर चाहे आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो या फिर आप वर्किंग हो, अपनी जर्नी को किसी से भी कंपेयर ना करें और ये इंश्योर करें कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना 100% दे रहे हैं, चाहे वो 8 घंटे हो या फिर दिन में 3 घंटे हो। फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स आई थिंक अगर इट इज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपके सारे पीयर ग्रुप और आपका सारे फ्रेंड्स वगैरह सब घूम रहे हैं और आप घर पे पढ़ रहे हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट। पर अगर आपका आपका सपना खुद का है तो आपको मेहनत भी खुद ही करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप ऑन अ डेली बेसिस अर्ली मॉर्निंग आप पढ़ाई कर सकते हैं एंड ऑन वीकेंड्स यू हैव टू गिव फुल डे। तो दिस वुड बी माई सजेशन टू वर्किंग एस्पिरेंट्स एंड टू पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम, यू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम और आप जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। बस मैं यही बोलना चाहूंगी, डू नॉट कंपेयर योर जर्नी विद एनीबडी एल्स। आई हैव बीन ऑन बोथ द साइड्स और दोनों साइड्स के अपने पर्क्स एंड प्रॉब्लम्स है। सो आप जिस भी हालात में हैं उसी हालात में अपना 100% दें। इसके अलावा मैं सभी एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि अगर मैं इसे एक कुछ पंक्तियों में जाहिर करना चाहूंगी, अगर आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। तो अगर आपने किसी भी अपना कोई भी लक्ष्य बनाया है तो मुझे लगता है आपको उसकी तरफ अग्रसर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी और हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे अगर मैं अपना ही बताऊं तो मैंने भी सिविल सेवा के इंटरव्यू दिए हैं, 2 मेंस लिखे हैं, परंतु लाइफ में कभी भी कोई भी फेलियर आए तो आपको उसे पर्सनली नहीं लेना, नेवर टेक इट टू योर हार्ट and always just keep moving, like irrespective of results, अगर आप life में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो आपको अपने कुछ चुनिंदा लोगों से नजदीक रहना है, जैसे वो मेरे लिए मेरे parents और मेरी family थी। For me, my parents have been very supportive, and I think especially उन्होंने हर कदम पर मुझे help की है। जैसे अगर मैं इसी साल की बात करूं तो इस साल जब मेरा सिविल सर्विसेज का मेंस था तो मेरे ऑप्शनल के टाइम पे मुझे डेंगू हो गया था और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बट क्योंकि मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ थे और उन्होंने मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखा तो इसलिए मैं वो एग्जाम लिख पाई। अगर मैं शायद अकेले होती तो मेरे लिए वो बहुत ही मुश्किल हो जाता। और कोई भी फेलियर आए तो आपको उसे बस हमेशा ये याद रखना है कि आपकी फैमिली है हु इज लुकिंग टुवर्ड्स यू एंड माय फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव टू मी एंड फॉर देम आई हैड टू डू इट फॉर माय सेल्फ।
maybe through these little things, if I can make them a little proud, then make them proud and make the nation proud, then I think my life would be worth it. बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप सब लोग अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे और किसी irrespective of the circumstances, whatever may happen, अगर आपने किसी चीज को अपना लक्ष्य बना लिया है तो आपको आगे बढ़ते रहना है चाहे कुछ हो जाए. और मंजिल अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो आपको मिलेगी ही, ये मेरा पूर्ण विश्वास है. एंड इसी के साथ आई वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू ऑल सक्सीड एंड थैंक यू टू द टीम ऑफ डीकेटी.